नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। हमारी खास पेशकश न्यूज रूम से नेताजी। इस खास पेशकश में आज हमारे साथ हैं आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी, और उनके साथ हैं आरएलएसपी के ही राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस खास शो में। बहुत बहुत स्वागत माधव जी आपका भी। आज हम बात करेंगे न्यूज रूम में ही कि आखिर जो बिहार की सियासत है वो विपक्ष वहां खुद को कहां पाता है, आरएलएसपी खुद को कहां पर पाती है, और आगे फ्यूचर में अगर एनडीए को टक्कर देनी है तो किस तरह से देंगे। इसके अलावा आरएलएसपी की अब तक की जो रणनीति रही है, अब तक जिस तरह के फैसले हुए हैं पार्टी में वो कितने सही रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत उपेंद्र कुशवाहा जी आपसे ही करेंगे। दरअसल हम बाकी चीजों की बात करेंगे, आपकी पर्सनल सियासी बात या फिर बिहार की बात। उससे पहले एक जो ताजा अभी सुर्खियों में मामला चल रहा है वो चल रहा है प्रशांत किशोर का। पहले उस पर हम चाहेंगे कि जरूर एक बार बात करें कि प्रशांत किशोर विपक्ष को कितनी ताकत दे रहे हैं। हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा सुर्खियों में है प्रशांत किशोर। देखिए, विपक्ष को ताकत देना उनका मकसद नहीं है, जैसा कि उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी है। बिहार का विकास कैसे हो, उनकी चिंता का यह विषय है। नीतीश कुमार जी के साथ भी थे, वहां भी जैसा कि खुद उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट के एजेंडा को लेकर ही नीतीश जी के साथ बात करते रहते थे। अब बाहर है, नीतीश जी से अलग हैं, तो अगले 10 वर्षों में कैसे बिहार, क्योंकि नीतीश जी जब सत्ता में आए थे उस वक्त बार बार बिहार के लोगों से वादा किया था उन्होंने कि हम सत्ता में आएंगे तो बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करेंगे, लेकिन आज सभी इंडेक्स पर बिहार पीछे है। तो इसलिए प्रशांत किशोर जी का जहाँ तक सवाल है, उनकी कोशिश है कि बिहार का विकास कैसे हो, और इस काम में जिनका भी सहयोग मिलेगा उनका सहयोग लेंगे या सहयोग देंगे। आपको लगता है कि वाकई वो ईमानदार कोशिश है या प्रशांत किशोर, चूंकि बार बार सवाल उठता है, देखिए जब तक वो एनडीए के साथ थे तब विपक्ष हमलावर था, आज वो वहां छोड़कर चले गए हैं तो विपक्ष को लग रहा है कि प्रशांत किशोर अच्छे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर एक बिजनेसमैन के तरह ही दिखते हैं और उसी तरह से व्यवहार करते हैं, वो सच्चाई है। देखो, सच्चाई नहीं है, नजर अलग अलग हो सकती है, आपका नजरिया कुछ और होगा। मेरी नजर में जो कुछ भी बोल रहे हैं प्रशांत किशोर जी ठीक बोल रहे हैं। अब जो लोग भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी सच नहीं बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर जी के की इस बात का क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं कि बिहार विकास के मामले में अभी भी बाकी राज्यों से पीछे है। जहां 2005 में बिहार खड़ा था, आज भी बिहार कमोबेश वहीं खड़ा है, यह जो उनका सवाल है इस पर क्यों जवाब नहीं, नहीं, नहीं ये एक मुद्दा है। ये हो सकता है कि बिहार की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सियासी व्यक्ति बनना चाहते हैं तो कुछ तो आइडियोलॉजी होगी। कल वो कह रहे हैं कि गोडसे और गांधी का एजेंडा एक साथ नहीं चलेगा। इससे पहले आप कहां थे, 2012 में आप कहां थे, 2014 में आप कहां थे, तब आपको गोडसे की विचारधारा समझ में नहीं आई। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, उनकी हर बात का समर्थन कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने नीतीश कुमार जी के बारे में कहा है, प्रशांत किशोर जी की आइडियोलॉजी क्या है, प्रशांत किशोर जी का मामला अलग है, लेकिन नीतीश जी के बारे में उन्होंने कहा है कि नीतीश जी एक साथ गांधी की भी बात करते हैं और गोडसे जिंदाबाद करने वाले लोग हैं उनके साथ भी खड़ा रहते हैं, यह विरोधाभास है। इस विरोधाभास पर लोगों को जवाब देना, क्योंकि मेरा प्रशांत किशोर के चर्चा का मकसद यही था कि मुझे पता होगी भाई विपक्ष में क्या वो आना चाहेंगे, तो आप लोग चाहेंगे, सहमति होगी सबकी कि विपक्ष में ज्वाइन करें प्रशांत किशोर, किसी भी पार्टी में, आरजेडी हो, आरएलएसपी हो, कांग्रेस हो या हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो, आपकी पार्टी ही ज्वाइन करना चाहें तो आप चाहेंगे कि प्रशांत किशोर आपके साथ आए। यह तो उनका पर्सनल मामला है, आप चाहेंगे उनको पहले उनको डिसीजन लेना है कि पॉलिटिक्स में सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। कल जो कुछ भी उन्होंने कहा है उसके आधार पे ऐसा नहीं दिखता है, तो पहले अब उनका है, उनको डिसीजन लेना है, उसके बाद कौन पार्टी में जाएंगे नहीं जाएंगे या तो सेकेंडरी होगा। माधव जी, आप तो बहुत डिफेंड करते हैं प्रशांत किशोर को, अक्सर आप करते रहे हैं, क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर इस वक्त जिस पोजीशन में है वहां पे कोई भी पार्टी उनको लेना चाहेगी? के पार्टी में लेने की बात नहीं है, हम लोग का सबका उद्देश्य एक ही है जो माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि बिहार को जो विकास के जैसे सुपथ पे लाना है। अभी डिरेल हो चुकी है विकास, जो है डेवलपमेंट रुक चुका है, सब लोग परेशान हैं, छात्र, शिक्षक, किसान, युवा, सब तमाम तरह की समस्याएं बिहार में मौजूद हैं। उसमें प्रशांत किशोर जी अगर हम लोगों का सपोर्ट करते हैं, हम वो रणनीतिकार हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, अपने अपने पेशे में वो सफल हैं, तो निश्चित रूप से अगर सबकी सहभागिता बिहार के विकास में हो उसमें क्या बुराई है, हम लोग को कोई बुराई नहीं है। प्रशांत किशोर जी आए, हम लोग के साथ रहे, हम लोग के साथ बनावे, कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है। और अध्यक्ष जी ने तो ठीक ही कहा है, उनका बाकी व्यक्तिगत मामला है किस पार्टी में ज्वाइन करते हैं नहीं ज्वाइन करते हैं। चलिए अब आपकी पार्टी पर आते हैं। आरएलएसपी का आपने गठन किया, आरएलएसपी पार्टी बनी, एक नई पार्टी जिसने सियासत में अपना कदम रखा पार्टी के तौर पर, आप सियासत में तो पहले से ही हैं, लेकिन एक नई पार्टी जिसके 3 सांसद हों, 2 विधायक चुनकर थे, 2 विधायक आपके साथ थे, 3 सांसद चुनकर आ गए, केंद्रीय मंत्री आप बने, उसके बाद आपने अचानक से एनडीए छोड़ दिया,
क्या वो सही फैसला था? आज के वक्त में अगर आपसे पूछा जाए, क्या वो सही फैसला था? आज के वक्त में तो मुझको लगता है कि उस वक्त जितना सही हम कह सकते थे उससे ज़्यादा सही मुझको आज लग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जिनके नेतृत्व में 4.5 साल मुझको भी काम करने का अवसर मिला, और प्रधानमंत्री जी दिल्ली की एक बड़ी सभा में सरेआम झूठ बोलते हैं, आज अगर हम होते उनके साथ तो मुझको ज़्यादा कष्ट होता कि अब इसी व्यक्ति के साथ हम मंत्री हैं या सरकार में हैं जो व्यक्ति सरेआम झूठ बोल रहा है। कम से कम इस स्थिति से तो हम बच गए उस समय छोड़ करके। क्या आपको नहीं लगता है कि 2019 के चुनाव के समय अगर आप साथ होते तो शायद इस बार बेहतर स्थिति में होते? पार्टी बहुत मजबूत होती आपकी, क्योंकि पार्टी को एस्टेब्लिश करने का और सियासत में आगे बढ़ने का एक बड़ा मौका था वो। बेहतर स्थिति आप कह सकते हैं, मेरे लिए शायद सत्ता की कुर्सी मुझको मिलती, इस दृष्टि से आप बेहतर कह सकते हैं, लेकिन सत्ता पाने के लिए राजनीति नहीं होती है, होनी भी नहीं चाहिए। और बाकी लोगों की क्या राजनीति है बाकी लोग जाने, हमने पार्टी बनाई या मेरी खुद की भी राजनीति है सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं है, जनता के सवालों का कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए इसके लिए मेरी राजनीति है, इस नज़र से मैं राजनीति को देखता हूँ। पार्टी जब कमजोर होती है तो फिर आप किसी भी गठबंधन में हो आपकी अहमियत उस तरह से होती है या नहीं होती है, इस पर बहुत फर्क पड़ता है। क्या विपक्ष में आज आप जिस स्थिति में हैं कि आपने 5 सीटें आपको मिली थी, आप चुनाव लड़े थे, लेकिन फिर भी कहीं पर कोई नदारद रहा सब कुछ रिजल्ट? देखिए, हमने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को, कि राष्ट्रीय समता पार्टी किस चुनाव में कितनी सीटों पर लड़ती है या कितनी सीटों पर जीतती है, यह मेरे लिए विषय नहीं। हमारे लिए है कि जनता के जिन सवालों का हल निकालने के लिए हम राजनीति में, हमारी पार्टी है, उन सवालों का हल निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है, यह हमारे लिए मुख्य मुद्दा होता है। यानी आपको लगता है, बहुत फरमाधव जी, आपको क्या लगता है कि पार्टी का फैसला सही था एनडीए से अलग होने का? निश्चित रूप से सही था। हालांकि अब जाहिर तौर पर आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हैं तो हो सकता है आपकी राय भी यही हो, लेकिन फिर भी आप अपनी सोच के मुताबिक आपको क्या लगता है? एकदम सही फैसला था। देखिए, सर ने जो बताया उनका अभी अनुभव रहा है, 4.5 साल काम किए हैं। अब जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति भी लगातार अगर झूठ बोलने का काम करे, लोगों को ठगने का काम करे, तो वैसे कोई भी व्यक्ति को जो है शर्मिंदगी महसूस होगी। हम लोग का डिसीजन सही था, और पार्टी जीत हार लगी रहती है, जीत हार से नहीं होता। अगर हम लोग के नेता अगर मजबूत हैं तो फिर हम लोग के पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आज हम लोग 0 पे, हो सकता है बिहार विधानसभा में हम लोग अच्छी खासी सीट। लेकिन सर, आप लोग कहते हैं कि जनता जनार्दन होती है, तो जनता का फैसला एनडीए के पक्ष में गया 2019 में, तब तो ये माना जा सकता है ना कि फैसला शायद आपका गलत है, यानी आपने जो मुद्दे उठाए वो जनता को पसंद नहीं आए? नहीं, ऐसा नहीं है। जो मुद्दे हमने उठाए उसमें अपनी कमजोरी हम मान सकते हैं कि उन मुद्दों को जनता तक ठीक से हम पहुंचा नहीं पाए, और दूसरे लोग जो दूसरा पक्ष है उन लोगों ने कुछ ऐसे मुद्दों को ला दिया जो मुद्दा देश के हित में नहीं था, लेकिन मार्केटिंग का आज जमाना है, मार्केटिंग उनकी अच्छी थी इसलिए लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पाए, हमारी मार्केटिंग शायद ठीक नहीं थी इसलिए हम अपने प्रोडक्ट को पहुंचा नहीं पाए, बस यही है। पिछले कुछ दिनों में जो बिहार में हम लोग सियासत देख रहे हैं उसमें आरएलएसपी बहुत एक्टिव मोड में नजर आ रही है, आप बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, और ये सक्रियता आपकी दिखी है कि आपने पिछले दिनों बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, यहाँ दिल्ली से लेकर पटना तक आपने बहुत सारे कार्यक्रम किए जिसमें जो विपक्ष एकजुट नहीं दिख रहा था वो एक मंच पर आया आपके कार्यक्रम में, तो ये सक्रियता अचानक से क्यों आई? अगर कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, विरोधी आपके कहते हैं कि दरअसल उपेंद्र कुशवाहा जी चाहते हैं कि नेतृत्व उनको मिले और वो लीड करना चाहते हैं महागठबंधन को। सक्रियता इसलिए नहीं होती है, देखिए जो लोग भी सवाल कर रहे हैं अगर उनको याद हो तो पूछिएगा उनसे कि समता पार्टी के दौर में सबसे ज्यादा कौन व्यक्ति सक्रिय था। नीतीश कुमार दिल्ली में मंत्री होते थे, उनकी सक्रियता रहती थी पार्टी के लिए। अगर उस समय जिन लोगों की सक्रियता थी 1 से 10 लोगों की गिनती हो तो उपेंद्र कुशवाहा नंबर 2-3 पर जरूर आएगा। तो सक्रिय आदमी को रहना ही चाहिए, जिस फील्ड में आदमी है उस फील्ड में सक्रिय रहना चाहिए। हम राजनीति में है तो राजनीति में सक्रिय, लेकिन टाइमिंग बहुत मायने, सियासत में टाइमिंग का बहुत खास महत्व होता है, और वो टाइमिंग बड़ी अच्छी थी आपकी क्योंकि महागठबंधन बिखरा नजर आ रहा था, तो आपने एकजुट किया, एक मंच पर आप लेकर आए सबको और सारे लोग जुटे भी, तो उसका एक मैसेज गया कि आरएलएसपी क्या लीड करेगी महागठबंधन को। देखिए, ये तो भूमिका हमारी है, हम जिस गठबंधन में हैं उस गठबंधन को लीड दिलाने के लिए, उस गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए, अगर कहीं कुछ वीकनेस है उस वीकनेस को दूर करने के लिए हमारी कोशिश से अगर गठबंधन ठीक होता है तो जरूर हमको कोशिश करनी चाहिए, और उस दृष्टि से मैंने कोशिश की है, महागठबंधन की मजबूती की दृष्टि से मैंने कोशिश की है और आगे भी हमारी कोशिश जारी रहेगी। आप चाहेंगे अगर ऐसा मौका मिले
कि आपको लीड करने का मौका मिले महागठबंधन को, क्योंकि महागठबंधन में बात कोऑर्डिनेशन कमेटी की हो रही है, आपको अगर संयोजक बनाने की बात हो, आप चाहेंगे कि इस भूमिका में आप अपने आप को फिट पाते हैं? नहीं नहीं, देखिए यह जो विषय है महागठबंधन के लोगों को मिल बैठ कर तय करना है। जब तक मिल बैठ कर महागठबंधन में तय नहीं होता है तब तक इस पर कोई भी टिप्पणी अलग से करना मुनासिब नहीं होगा। माधव जी, आपकी क्या राय है, महागठबंधन को लीड करने का मौका आरएलएसपी को मिले, आप क्या चाहेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से? और अगर बात संयोजक बनाने की हो, जैसा कि एनडीए में भी पहले रहा है, महागठबंधन में मांग उठ रही है इस वक्त। हम लोगों ने कार्यक्रम किया था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ही महागठबंधन के तमाम नेता आए थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि समुद्र मंथन कर रहे हैं, समुद्र मंथन में अगर सारे अच्छी चीजें निकले तो आप लोग ले लीजिए, विष देने की बात हुआ तो मैं तैयार हूँ। तो इतना बड़ा त्याग अगर महागठबंधन की एकजुटता के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर मंच से कर रहे हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं। तो सत्ता के लिए राजनीति हम लोग नहीं, हम लोग विकास की बात करते हैं। आपकी जिस भूमिका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिस भूमिका का कि बहुत ज्यादा एक्टिव हैं आप, बहुत सक्रियता दिखा रहे, क्या उसकी वजह से आरजेडी थोड़ा कन्नी काटने लगी है पार्टी, आपकी पार्टी से या आपसे दूरी बना रही है? क्योंकि शुरुआत के कुछ कार्यक्रम में आरजेडी ने अपनी पूरी सहभागिता दिखाई, लेकिन उसके बाद अभी पिछले एक दो कार्यक्रमों को आप देख लें, आपने कुछ करने की कोशिश की, बिहार बंद की बात की या समर्थन दिया बिहार बंद को आपने, आरजेडी उससे दूर हो गई, क्यों? अब यह सवाल तो आरजेडी से पूछा जाना चाहिए, क्यों का सवाल अब आरजेडी इसका जवाब दे पाएगा, हम क्या जवाब? माधव जी आप बताइए, आपको लगता है कि मीडिया की भूमिका ही बहुत अहम थी या फिर कहीं महागठबंधन से भी चूक हुई नब्ज पकड़ने में, नब्ज को ठीक से पकड़ नहीं पाई जनता की? ये बीजेपी हमेशा से भावनात्मक मुद्दे पे चुनाव लड़ती आई है। जब भावनात्मक मुद्दे की बात करते तो जनता बहुत दिनों तक भावनात्मक मुद्दे पे नहीं खेलती है। आज आपने देखा झारखंड का रिजल्ट देखा, महाराष्ट्र का परिणाम देखा, हरियाणा का परिणाम देखा, दिल्ली का परिणाम देखा। अब जनता को जो है रोजगार चाहिए, रोजी रोटी कपड़ा मकान की बात होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी कभी भी अर्थव्यवस्था पे बात नहीं करते हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता कभी अर्थव्यवस्था की बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं। ये लोग जब बात करते हैं मुझे बहुत आश्चर्य लगता है अभिषेक जी, अगर मैं जब बेरोजगारी की बात करता हूँ युवा होने के नाते तो मुझे कहा जाता है कि ये तो देशद्रोही है। क्या अर्थव्यवस्था की बात करना, युवाओं की बात करना क्या देशद्रोह में सम्मिलित होता है? तो बीजेपी की मंशा इस तरह की है, देश को बांटने वाली, अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने की बात नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ एक ही होना चाहिए, वो होना चाहिए विकास की बात होनी चाहिए। अब मैं कुछ आपके निजी फैसलों पर आता हूँ, मुझे उम्मीद है आप एतराज नहीं करेंगे। निजी फैसले जैसे 5 सीटों का हमने जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव में मिली, तो 5 सीटें बहुत ज्यादा नहीं होती है, 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में, 5 में से 2 सीटों पर आपने खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया, जबकि आप 1 सीट से ऑलरेडी सिटिंग एमपी थे। क्या लगता है कि उसका मैसेज गलत चला गया? वो भी मैसेज गलत जाता है, 2 सीटों पर चुनाव लड़ना गलत नहीं है, तमाम नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी लड़ चुके हैं, लेकिन जब आपको सिर्फ 5 सीटें मिली हों प्रदेश में, जो कह रहे हैं उसको स्वीकार करने में जा रहा हूं जी। 1 सीट पर अगर मेरी उम्मीदवारी होती तो मुझको लगता है कि परिणाम बेटर होता, इसको मैं महसूस करता हूं। जी। लेकिन 2 सीट पर लड़ने वाला अकेले मैं नहीं हूँ, लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी और भी बड़े बड़े लीडर सब लोग लड़े हैं, इसलिए उसमें कोई ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, आपकी इस बात से मैं पूरे तौर पे सहमत हूँ कि 1 सीट पर ही सिर्फ मेरी उम्मीदवारी होती तो रिजल्ट दूसरा होता। चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, पूर्वी चंपारण सीट को लेकर आखिरी समय में अखिलेश सिंह के बेटे को टिकट देना, मैं नहीं कहूंगा कि टिकट की चर्चा किसकी थी, आप किसको देते वो आपका अधिकार भी है, लेकिन ये एक सवाल उठा कि अचानक से उनको ज्वाइन कराकर टिकट देना। आपको मालूम है कि अखिलेश सिंह जी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, बिल्कुल, और महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, तो स्वाभाविक रूप से कुछ मजबूरी ऐसी होती है जिसको हमेशा सार्वजनिक करना मुनासिब नहीं होता है, आपसी रिश्ते या कुछ, इसलिए हमने कहा कि इन कारणों से हुआ, हर कारण की चर्चा तो करना ठीक नहीं। ठीक है, अब मैं कुछ नेताओं का नाम ले रहा हूँ, आपके साथ जितने भी साथी थे जिसमें कई सीनियर लीडर्स थे, पुराने वरिष्ठ नेता, सब एक एक करके आपका साथ छोड़ते चले गए। कारण आपने पहले ही बताया है, खुद आपने कहा कि आप अगर होते एनडीए में तो आपको कुर्सी मिल सकती थी, कुर्सी शब्द आपने यूज नहीं किया, लेकिन बेहतर स्थिति हो सकती थी, तो बेहतर स्थिति नहीं हुई, इसलिए लोग अपने स्वार्थ में राजनीति में रहते हैं, उनको लगा कि सत्ता में रहते तो हमको ज्यादा लाभ मिलता, व्यक्तिगत लाभ, तो ऐसे लोग छोड़ते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। हालांकि इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो सत्ता में अभी नहीं है, कहीं नहीं है, तो रह भी नहीं सकते उस तरह से, जिस तरह से उन लोगों का एक्शन था, उस एक्शन से थोड़े सत्ता में पहुंचा जाता। आपको लगता है इस तरह की सियासत बहुत अच्छी नहीं है कि जब जाना है तो आरोप प्रत्यारोप लगाकर आप पर, आपकी पार्टी पर बहुत गंभीर गंभीर आरोप लगाकर? हाँ, ये बात ठीक है, किसी ने टिकट बेचने का आरोप लगा दिया, किसी ने आप पर वादा करके वादा खिलाफी का आरोप लगा दिया। ठीक बात है, जिस तरह के आरोप लगाए गए राजनीति के कहीं भी उतना नीचे स्तर पर नहीं जाना चाहिए, इसका मुझको आज भी दुख है। कहां हम लोग नीतीश जी से अलग हैं,
नीतीश जी के साथ उतने दिनों तक रहे, अलग है तो पॉलिटिकल जरूर आलोचना करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत और कुछ कुछ अनर्गल बातें जिस तरह की बात इन लोगों ने की है, क्योंकि आपने किसी को जबरदस्ती तो अपनी पार्टी में लेकर आए नहीं थे, वो सब अपनी मर्जी से आए थे। बिल्कुल माधव जी, आप साथ नहीं छोड़ के गए हैं, आप पार्टी में बने हुए हैं। अभिषेक जी, मैंने तो शुरू से बोला कि मैं अपना राजनीतिक करियर जो है ना राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ शुरुआत की, और मैं पूरी मीटिंग में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में भी कहा कि मैं अगर मुझे समाप्त भी करना होगा तो यहीं से समाप्त करूंगा। इसलिए मैं अगर इनके साथ जुड़ा हूं तो कुछ एक अलग मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे को लेकर मैं भी चाहता हूं कि बिहार में जो है ना जो पलायन की स्थिति है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, रोजगार सृजन का काम नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे हैं, और वो मेरे पास स्ट्रेंथ है। आपको व्यक्तिगत तौर पर नहीं लगता कि आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ें और आप कहीं और? महत्वाकांक्षा ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी के होते हैं उनके दिमाग में सब चलता है, और किसको कहां जगह किस जगह पे रखना है सारे चीज पार्टी एक प्रोटोकॉल डिकोडम से चलता है। और मुझे लगता है मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, आप अपनी संभावनाएं कहीं और नहीं, मैं नहीं चाहूंगा, नहीं मैं एकदम नहीं चाहूंगा। मैं जहां हूं मैं बहुत ही मजबूत से हूं, आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के दौरान भी मेरी निष्ठा कहीं भी नहीं भटकी जो है, मैं खड़ा रहा है, और आज भी इस बुरे जो आपने कहा कि जीरो पे है, आज भी मैं अपने सर के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा हूं। सवाल पूछना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने निष्ठा की बात की इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि पूर्वी चंपारण में आपका जिक्र बहुत हो रहा था, बहुत ज्यादा हो रहा था। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं दिया टिकट उसके बहुत सारे हम लोगों ने बैठ के विश्लेषण किया, ऐसा नहीं कि मैं कहीं पब्लिक में बोला। आपने खुद भी अभी जिक्र भी किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपने उनके साथ लंबे समय तक काम किया, और जेडीयू बार बार ये दावा करती है कि, और शायद मुझे लगता है आप भी इनकार नहीं करेंगे कि आपको उस पार्टी में भी सम्मान मिला और आप नेता प्रतिपक्ष भी रहे, क्या क्या वजह रही कि उनसे भी दूरी बन गई आपकी? तमाम पार्टी आपका तमाम नेता आपकी पार्टी छोड़कर गए, वो तो एक तरफ, आप भी नीतीश कुमार के साथ नहीं रह पाए, क्यों? देखिए इस पर तो बहुत बार जवाब दिया जा चुका है, लेकिन मोटे तौर पे हम कहें कि नीतीश जी किसी भी व्यक्ति को उसकी जो क्षमता या जो उसके काम करने का कुछ भी है उसको यूज करते हैं, बस उतनी ही दूर तक उतनी ही देर तक आपसे उनका रिश्ता रहेगा जितनी दूर तक लगेगा कि तात्कालिक रूप से हमारे लिए ही फ्रूटफुल है, और जैसे ही लगेगा अब इनका यूज नहीं है तो उसके बाद इस तरह से एकदम कहिए कि नफरत का भाव सामने वाला को दिखे ऐसा बर्ताव करते हैं, तो अब इस स्थिति में कैसे कोई रह सकता है, नंबर एक। नंबर दो कि नीतीश जी से मुझको बहुत उम्मीद थी, अब मुझको नहीं बिहार की जनता को, लालू जी भी 15 साल सत्ता में थे, लालू जी से यह उम्मीद नहीं थी, हम उनके साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद हम यह कहेंगे कि लालू जी से कतई बिहार के लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि आएंगे तो स्कूल को ठीक करेंगे, आएंगे तो बेरोजगारी दूर होगी, आएंगे तो किसानों की समस्याओं का हल निकालेंगे, उनसे नहीं उम्मीद थी, लेकिन नीतीश जी से उम्मीद थी। और नीतीश जी खुद भी कहते थे कि जनता की आशा के हम अंतिम किरण हैं, नीतीश जी स्वीकार करते थे और यही मानकर जनता ने उनको बिछाया भी, लेकिन आज 15 साल इनका भी, अब कहाँ बिहार खड़ा है, तो आखिर हम उनके साथ रहकर भी क्या करते इसी स्थिति में। हाँ, इतनी बात जो हम भी मानते हैं कि रहते तो मुझको ऊंची कुर्सी नीतीश जी के बगल में जरूर मिली रहती और आराम से हम रहते, जिस संघर्ष की चर्चा अभी आप कर रहे हैं उस संघर्ष में हमको रोड पर नहीं घूमना पड़ता, नीतीश जी के साथ रहते तो आराम से रहते, लेकिन वो आराम वाली राजनीति मुझको पसंद नहीं। समझिए कि जी बिहार झारखंड ने एक मंच आपको मुहैया कराया कि मैं चाहूंगा कि व्यक्तिगत तौर पर आप अपने दिल की बात कहें, क्या नीतीश कुमार के साथ आप अपने रिश्ते को ठीक करना चाहेंगे जो कड़वाहट रही है? मैं नहीं कहता हूं कि आप ही पहल करें, वो भी करें, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि वो रिश्ते फिर से उतने ही मधुर हो? व्यक्तिगत रिश्ता में कोई ऐसा भी आज नहीं है, व्यक्तिगत रिश्ता मुझसे उम्र में बड़े हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, अब कहीं भी मुलाकात हो जाती है तो मैं उठकर खड़ा होता हूँ, नमस्कार करता हूँ, तो उसमें व्यक्तिगत जो रिश्ता है, अब व्यक्तिगत मान सम्मान उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आज भी मुझको भरोसा है कि एक बार अगर फोन करें हम उनके यहाँ किसी भी काम के लिए तो जरूर फोन पर आएंगे, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ता अलग है और मुद्दों को लेकर राजनीति होती है, दोनों चीजें अलग अलग है, तो उसके आधार पे व्यक्तिगत रिश्ता मेरा आज भी ठीक है, अब राजनीति में रिश्ता फिर जुड़े इसकी संभावना। अगर बिहार में ऐसा मौका है कि एनडीए सरकार में आप सबको शामिल या एनडीए के साथ आपको जोड़ने की कवायद हो और नीतीश कुमार भी हो, क्या आप होना चाहेंगे? नहीं देखिए, एनडीए के बारे में तो अब दूर दूर तक कोई संभावना ऐसी बन सकती है, मैं इसको नहीं मानता हूँ, अब सवाल ही नहीं उठता। अब जिस तरह से एनडीए ने देश को परेशान कर दिया है अभी, अब इसके बावजूद एनडीए की ओर हम देखें तो जनता माफ नहीं करेगी। अब हम लोग सबसे आखिरी मुद्दे पर और सबसे अहम मुद्दे पर आते हैं जो आपसे जुड़ा है, शिक्षा का मुद्दा, जिसको लेकर आपने पूरा एक अभियान चला रखा है बिहार में और लगातार आप कर रहे हैं।
आपको क्या कमी नजर आ रही है और वो कमी क्या आंदोलन से ही दूर होगी या इसके लिए आपने राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश के स्तर पर बात करने की कोशिश की? हमने सिर्फ आंदोलन नहीं किया है, 25 सूत्री डिमांड भी हम लोगों ने बिहार सरकार को दिया, मुख्यमंत्री जी को दिया, बाकी वहाँ की शिक्षा मंत्री जी को दिया, विभिन्न मुद्दों से हमने उठाया, विभिन्न मंचों से हमने उन मुद्दों को उठाया। 25 सूत्री डिमांड है और उसके आधार पे क्या क्या बदलाव होना चाहिए ताकि क्वालिटी एजुकेशन हो, हमने कहा है। हमने शिक्षा में सुधार की सीधे बात नहीं की है, हमने बताया है कि कैसे सुधार संभव है, ब्लूप्रिंट दिया है, उस पर अगर सरकार एक्ट करती तो निश्चित रूप से सुधार हो जाता। और आप देखिएगा कि हम अभी नहीं, 2.5-3 साल पहले से उठा रहे हैं, उस वक्त से अगर नीतीश जी स्टेप लेते तो आज तक बहुत बदलाव हो जाता। लेकिन अब क्या, अब तो सर चुनाव आ गया, इसलिए अब तो कोई सरकार से हम कह रहे हैं, अब कहाँ इसकी अपेक्षा बचती। माधव जी, आप शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? आपने कहाँ देखा, क्या जो बता रहे हैं अभी उपेंद्र कुशवाहा जी कि ये मुमकिन है कि टीचर्स को किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाए अगर वो अच्छी क्वालिटी नहीं दे रहे हैं तो? निश्चित रूप से नियोजित करने की बात हम लोगों ने 25 सूत्री मांगे में रखा है। हम लोगों ने ये नहीं कहा है कि शिक्षक को आप निकाल दीजिए, उन्होंने क्लियरली हम लोगों ने 25 सूत्री जो मांगे रखी थी सरकार के सामने रखी थी, उन्हें कहा कि आप उनको नियोजित दूसरी जगह पर कर दीजिए, दूसरे किसी डिपार्टमेंट में रख दीजिए। क्या ये मुमकिन है? क्यों नहीं मुमकिन है? देखिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप नहीं देंगे, शिक्षा से सारी संभावनाएं जुड़ी है, अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं होंगे तो सारी समस्याएं पैदा होगी। अब ये बताएं कि बिहार में अब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या आपको लगता है क्या होने जा रहा है, महागठबंधन कौन क्या कुछ बड़ा खास करने जा रहा है कि जनता के बीच आप जाएं तो जनता को लगे कि नहीं महागठबंधन को ही इस बार मौका मिलना चाहिए? जनता इंतजार में है, नीतीश कुमार जी से जनता मुक्ति चाहती है और मुक्ति के लिए स्वाभाविक रूप से गठबंधन ही, महागठबंधन ही एक विकल्प है। उस नजर से जनता महागठबंधन को देख भी रही है, लेकिन महागठबंधन में जो कुछ जिस तरह के स्टेटमेंट आते रहते हैं और कुछ चीज है जो समय पर डिसीजन होना चाहिए, विधान लोकसभा चुनाव के समय नहीं हुआ, तो उस तरह की चीजों पर अगर महागठबंधन सतर्क रहे तो निश्चित रूप से महागठबंधन सत्ता में आएगा। लेकिन कंडीशन वही है कि कुछ चीजें महागठबंधन को करनी पड़ेगी, कुछ स्टेप्स समय पर उनको लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री कैंडिडेट को लेकर बार बार सवाल उठते हैं, क्या लगता है कौन लीड कर सकता है आपके हिसाब से महागठबंधन? क्या RJD ही लीड करे ये तय है, तेजस्वी ही CM कैंडिडेट हो ये तय है? इसके लिए हमने कहा है आपसे कि बैठकर बात होगी, बाहर में नहीं बात हो सकती। चलिए ठीक है, अब आखिर में ये बताएं कि कैसा लगा आपको जी बिहार झारखंड के न्यूज रूम में आकर यहाँ पर बातचीत करके? नहीं, बहुत ही अच्छा लगा जी। और इस तरह का इंटरव्यू पहली बार मुझको देने का या फिर आपसे बात करने का अवसर मिल रहा है जी। और बहुत ही अच्छा लगा और मैं समझता हूँ कि खास करके बिहार और झारखंड में जो एक प्रतिष्ठा का चैनल माना जाता है जी न्यूज को, इस दृष्टि से यहाँ लोगों को देखकर, आप सब लोगों को देखकर यह भरोसा और मेरे अंदर, चूंकि हम लोग तो जैसे न्यूज आकर पढ़ते हैं लेकिन चूंकि ये टीम होती है जो पर्दे के पीछे काम कर रही है, सबसे बड़ा रोल जो पर्दे के पीछे लोग होते हैं इन्हीं का रोल होता है, इसलिए इन लोगों का विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। माधव जी, आप कुछ कहना चाहें? बहुत अच्छा लगा और मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट किया था कि सर चलें, इनके बहुत व्यस्त कार्यक्रम थे लेकिन फिर भी मैंने इनसे टाइम निकलवाया। अच्छा लगा सब लोगों से मिलकर, मैं तो वैसे आते रहता हूं लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे मुझे पहली बार मौका मिला कि तमाम जितने भी यहां के एम्प्लॉई हैं सब लोगों को देख रहा हूं, सामने से बहुत सारे नए नए चेहरे भी दिखाई पड़ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा और आशा करते हैं कि आप पुनः हम लोगों को मौका देंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।